हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ श्रीवास्तव एंड दिस इज एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ परीक्षा मंथन। यहाँ पर हम डिफरेंट करंट टॉपिक्स को लेंगे और देखेंगे कि उनकी रेलेवेंसी क्या है और उसके बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको अप्रोच किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट एंड शाहीन बाग जजमेंट। तो इस वीडियो को हम दो सेक्शंस में देखेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या हमारा वाकई एक मौलिक अधिकार है, प्रोटेस्ट का मतलब यहाँ से धरना प्रदर्शन से लेके है, तो क्या हमको मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर दिया गया है तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद ये शाहीन बाग का एपिसोड क्या था और उसमें क्या जजमेंट आया है। तो इस वीडियो में के अंत तक हम जानेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट का जो ओरिजिन है, यानी धरना प्रदर्शन का जो एज अ राइट जो ओरिजिन है वो हमें कहाँ मिलता है, इसका पर्पस क्या होता है, और इंडिया में प्रोटेस्ट की क्या हिस्ट्री रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोटेस्ट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में लाई करता है, और अगर लाई करता है तो कहाँ लाई करता है। उसके बाद क्या जुडिशियल इंटरवेंशन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वाकई शाहीन बाग का एपिसोड क्या था, उसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट हो या कुछ, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि शाहीन बाग जजमेंट तो हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ये करेंट टॉपिक है, बट ये राइट टू प्रोटेस्ट से कैसे रिलेटेड है और इस पर हमको कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या हमारा कहीं मेंशन था। तो जी हाँ, राइट टू प्रोटेस्ट एक ऐसे लिखा गया था सर, हेनरी डेविड थॉरो। इन्होंने 1849 में एक ऐसे लिखा जिसका नाम था ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। एक इन्होंने ऐसे लिखा ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, जिसमें कि इन्होंने मेंशन किया, देखिए सविनय अवज्ञा इसका मतलब होता है, सविनय अवज्ञा की ड्यूटी। तो इन्होंने इस ऐसे में ये लिखा कि प्रोटेस्ट मस्ट बी अ राइट, राइट टू प्रोटेस्ट एक सॉरी प्रोटेस्ट एक राइट की तरह से हम ले सकते हैं। तो इस सिविल डिसोबीडियंस के जो ऐसे था इसको हमारा इनकैश कराया हमारे महान लीडर मिस्टर एम के गांधी ने, और इसके और भी बड़े स्पेशलिस्ट अमेरिकन के मार्टिन लूथर किंग। तो प्रोटेस्ट सिविल डिसओबीडियंस में इन लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया, और यहां पर प्रोटेस्ट का जो हमारा मतलब है वो है धरना प्रदर्शन से लेके। तो ये जो धरना प्रदर्शन है एक तरह का हमारा डिसेंट को शो करता है, ठीक है। देखिए कभी भी आप कोई भी डिसीजन होगा उससे आप या तो सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। तो अगर आप असहमत हैं और आपको अपनी वॉइस दर्ज करानी है तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप बहुत किसी मोहल्ले की किसी गली की बात हो तो यस आप उठ खड़े होंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, पर अगर बात देश की आती है तो आपकी आवाज़ अकेले की उतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकती, देन यू स्टार्ट अ धरना। कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं भाई हमें लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो राइट टू प्रोटेस्ट इस ऐसे में हमारी शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट के पर्पस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट सिर्फ जो धरना प्रदर्शन है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी किसी डिसेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ दर्ज करानी है तो भाई कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया है, अगर आप बहुत सारे अपने फॉलोअर ले लेते हैं या बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल लोग एक ही टॉपिक को उठाते हैं तो वो ट्रेंड करने लगता है, पर हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, डिजिटल क्रांति अभी आई है। तो जो प्रोटेस्ट है उसके पर्पस हो सकते हैं कि स्टार्ट अ डिबेट, कि एक डिबेट का टॉपिक स्टार्ट कर सकता है।
जैसे अगर सरकार या कहीं भी कोई भी गवर्निंग बॉडी हो उसका किसी मुद्दे पर ध्यान ना जा रहा हो, ठीक है। सपोज आप महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र का कोई ऐसा रीजन है विदर्भा, जहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या है, तो अगर सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो एज अ फार्मा ग्रुप आप एक जगह एकत्र होंगे, अपनी वॉइस को दर्ज कराएंगे कि देयर यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस रीजन, वी वांट वाटर हियर, देन गवर्नमेंट का उस पर अट्रैक्शन जाएगा और उस पर करेक्टिव एक्शन ले लेगी, ठीक है। तो हमेशा प्रोटेस्ट या डिसेंट हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई डिबेट का टॉपिक स्टार्ट करना है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं कोई रेप इशू है या फिर कोई ऐसी पब्लिक ऑर्डर की चीज़ें हैं जो चीज़ें लाइन पे नहीं है, तो उसको आवाज़ उठाने के लिए भी हम प्रोटेस्ट का सहारा ले सकते हैं। तो प्रोटेस्ट एक तरीके से डिबेट का टॉपिक स्टार्ट कर सकता है जिस पर किसी का ध्यान ना जा रहा हो या गवर्नमेंट में वो टॉपिक उठाना ज़रूरी हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है वॉइस ऑफ एक्सप्लॉइटेड, यानी अगर कोई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जैसा कि कई देशों में मेजोरिटेरियन लोग की गवर्नमेंट बन जाती है, श्रीलंका में है, सिनालीज हैं और तमिलियंस रहते हैं, इंडिया में है या और भी कई जगह पे ऐसी है, तो अगर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है तो अगर उनका कोई एक्शन है जो सिर्फ मेजोरिटीज़ को जाता है या फिर कोई ऐसा वर्ग जो छूट जा रहा है वो एक्सप्लॉइटेड है या उनका कोई अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पर अगर वो ग्रुप प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं चाहे वो मीडिया में आए, चाहे वो गवर्नमेंट के ध्यान में आए, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस करने वाले पुलिस के ध्यान में आए, वो खबर सरकार तक पहुँचती है या भी रूल करने वाले के पास तक पहुँचती है, उनको पता चलता है कि यस देर इज़ अ टॉपिक, देर इज़ अ डिबेट, देर इज़ अ डिसेंट, देर इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एजेंडा को सेट कर सकता है, डिबेट को सेट कर सकता है, एक्सप्लॉयटेड को आवाज़ दे सकता है, और ये जो अलोन की फीलिंग है उसको भी दूर कर सकता है, ठीक है। अलोन फीलिंग क्या होती है, सपोज अगर इस समय कोई भी एजेंडा चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गवर्नमेंट एक्शन चल रहा है, आप घर में बैठे हो, आपको क्या लगता है कि शायद मैं ही ऐसा सोचता हूँ और कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। अगर कोई उस टॉपिक पर मीडिया में खबर नहीं आती या कोई डिबेट नहीं होती या कोई प्रदर्शन नहीं होता या कोई ग्रुप उस पर आगे नहीं आता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जैसे सोचने वाले कितने लोग हैं। तो अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, कहीं पर लोग जमा होते हैं, तो आपको पता चलता है नहीं भाई हमारे तरह सोचने वाले भी लोग हैं, तो एक सेंस ऑफ कंपेनियन देता है कि यस हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं और हम जो सोच रहे हैं, जो लॉजिक लगा रहे हैं, वो सही लॉजिक है। तो यह बात पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है, तो दोनों में अपनी अपनी जो है अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो दोनों जगह सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो डिबेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेड को वॉइस भी दे सकते हैं, अलोन की फीलिंग हटा सकते हैं। सपोज अगर कोई एजेंडा आया CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर आया, तो अगर आपको लगा या किसी भी लोगों को लगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कि अगर ये जो एजेंडा आया, ये जो एक्ट पास हुआ है, वो सबके अकॉर्डिंग नहीं है, या अगर सभी लोग खुश हैं और आपको लगता है कि शायद इसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, लेजिस्लेटिव रूप से सभी चीज़ों का पालन नहीं किया गया और आप एक थिंकिंग बना लिया आपने कि शायद इसमें कहीं गलत हुआ है, तो अगर प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं तो सिर्फ आपको लगेगा कि आप ही को ऐसा लगता है, पर ऐसा सच नहीं है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो यस आपको लगेगा कि नहीं हम भी ठीक थे, तो और भी लोग अपना लॉजिक देंगे, और भी लोग अपने कानून को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ शायद इसमें कुछ गलत हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कुछ गलत हुआ था या नहीं, हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई टॉपिक शुरू होता है और बहुत सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, और अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक गलत है तो प्रोटेस्ट एक ऐसा जरिया बन जाता है जो बता सकता है कि शायद ये चीज़ें आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो अगर प्रोटेस्ट का हमने राइट एज अ राइट का हमने ओरिजिन देख लिया, पर्पस देख लिया, हम ये देखते हैं कि इंडिया में इसका इलस्ट्रस इतिहास रहा है। इलस्ट्रस इतिहास मतलब कि बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। तो प्रोटेस्ट हमेशा से लगभग हर काल में कहीं ना कहीं रहा होगा, उसका कोई लिखित रूप से हमें नहीं मिलता है, पर इंडिया में अगर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात की जाए, यानी अगर लिखी हुई हिस्ट्री की बात की जाए, तो जब से ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स आए और हमारे लीडर M.K. गांधी, नेहरू या और भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना, साइलेंट प्रोटेस्ट या फिर विदाउट आर्म्स एंड एम्युनिशन पीसफुली प्रोटेस्ट करने का
रास्ता दिखाया डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के तहत, जैसे कि NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी जो ऐसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चले उसमें हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया कि कैसे पीसफुली प्रोटेस्ट होकर ब्रिटिशर्स को मजबूर किया जा सकता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है, यू आर बींग ऑप्रेसर टू अस, आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पीसफुली उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो उनके पास या तो हथियार चलाने का ऑप्शन होगा या तो हट जाने का, मेरी बात मान लेने का। तो यही इन लोगों ने प्रोवाइड किया हमें एज अ टूल दिया कि प्रोटेस्ट हैज़ बिकम अ टूल एंड इट हैज़ वॉन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो हमारी हमेशा से इलस्ट्रियस हिस्ट्री रही है, तो इंडिपेंडेंस दिलाने में इस प्रोटेस्ट का, धरना प्रदर्शन का, पीसफुल और साइलेंट सविनय अवज्ञा करने का एक बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सीरिया बिफोर इंडिपेंडेंस ही था, जी नहीं। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस इंदिरा गांधी। अगर आपको महीना भी याद हो तो जून 1975 में लगाई गई थी। तो उसके बाद एक स्टूडेंट रिवोल्ट शुरू हुआ गुजरात में, देन बिहार में, एंड देन इट मेक अ मूवमेंट ऑफ JP मूवमेंट, ठीक है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये सभी कुछ सही था या नहीं था, हमें सिर्फ देखना है कि धरना प्रदर्शन की हिस्ट्री हमारी कैसे रही है। तो ब्रिटिशर्स के लिए रही पहले बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद JP मूवमेंट अगर आप देखें बहुत बड़ा आंदोलन था, और अभी अगर रिसेंट टाइम में देखें तो प्रोटेस्ट लगभग कई सारे टॉपिक उस पर हो रहे हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से अगर बात करें तो जैसे कि रोहित वेमुला केस हुआ था उस पर प्रोटेस्ट हुआ, JNU इंसिडेंट हुआ, जामिया इंसिडेंट हुआ, GST लागू हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, और अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, NRC का अनाउंसमेंट हुआ, NPA का अनाउंसमेंट हुआ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से आप स्ट्रिक्ट होइए इस बात पर कि मैं किसी भी चीज़ को सपोर्ट या डी वोट नहीं करता हूँ। मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि इन सारे मुद्दों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सही हो रहे हैं या गलत, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा देखना है कि इलस्ट्रस हिस्ट्री जो हमारी रही है, प्रोटेस्ट की जो हिस्ट्री रही है, वो हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का, एंड बींग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज वेरी हेल्दी टू मेक अ कंट्री मोर डेमोक्रेटिक विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाए रखना प्रोटेस्ट एक दवा का काम करता है, जो कि किसी को भी अथॉरिटेरियन होने से बचाता है, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री के बाद हम ये देखेंगे कि प्रोटेस्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थान है। तो एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, इफ यू गो थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल नॉट फाइंड अ वर्ड प्रोटेस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या प्रोटेस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए, जिसके तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एंड अभिव्यक्ति की आजादी आपको इस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। भारतीय संविधान में आपको पूरी तरह से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, उसका माध्यम कोई भी हो, बीइंग अ साइलेंट, बीइंग अ वोकल, बीइंग इन प्रिंटेड, बीइंग इन मीडिया, कोई भी मैटर हो आपको वहाँ पर बोलने की आज़ादी है। तो ये आपको बता रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बोलने की आज़ादी देता है, चाहे आप सही के लिए बोलें चाहे आप गलत के लिए बोलें। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ये क्या कहता है, राइट टू पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, बिना किसी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के, बिना किसी हथियार के हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, जुट सकते हैं, एक साथ मिलकर खड़े होकर ग्रुपिंग बनाकर अपनी आवाज को रख सकते हैं।
तो एक ये आर्टिकल है और एक ये आर्टिकल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ सही या गलत है और एक ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि ये चीज़ सही या गलत है, तो हम सभी को पीसफुली असेंबल होकर अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है। और यही एक तरीके से डिफिनेशन बन जाती है कि जी हाँ, आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आप पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए फंडामेंटल राइट रखते हैं। इन दोनों के लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है, पर हर चीज़ का एब्सोल्यूट हमेशा बुरा होता है। तो क्या ये जो राइट टू प्रोटेस्ट आपको मिला हुआ है ये असीमित है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, क्या आप इस पर कोई बैन नहीं लगा सकते? तो यस, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड नाउ क्लॉज 3, ये दोनों आर्टिकल कहते हैं कि देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं इन दोनों आर्टिकल्स पर। वो क्या है? ये आर्टिकल 19(1)(a) को चेक करता है और ये 1(b) को चेक करता है। इनकी एक ही कॉमन शर्तें हैं कि कुछ ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बिंदु पे हम लिख सकते हैं कि टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबर एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, और भी कई सारे, टू मेंटेन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारे और भी एक्सेट्रा कई सारे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर इन चीज़ों का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हमारा राइट नहीं रहेगा। यू आर नॉट परमिटेड टू प्रोटेस्ट, आप किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए वहाँ पर आप आज़ाद नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज एब्सोल्यूट, राइट टू प्रोटेस्ट हमेशा आपका असीमित अधिकार नहीं है। देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, एक उचित प्रबंध किया गया है, उचित प्रतिबंध लगाया गया है कि इन सभी मुद्दों पर अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं या आपका प्रोटेस्ट इन सभी के खिलाफ जाता है तो यस, आप पर उचित प्रतिबंध लगा के आपको रोका जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बैलेंस किया गया है कि आपको प्रोटेस्ट करने भी मिलेगा और किसी किसी चीज़ों पर आपको रोक भी दिया जाएगा। तो अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन मिलता है राइट टू प्रोटेस्ट के लिए, सो यस, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको आप कह सकते हैं और राइट टू लाइफ 21, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगभग हर साल दो साल में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आते ही रहते हैं। तो अगर हम जुडिशियल इंटरवेंशन की बात करें तो 1978 में मेनका गांधी केस, जस्टिस भगवती थे और इन्होंने कहा कि अगर आपकी डेमोक्रेसी है और अगर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन राइट दिया गया है, इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, तो उसके लिए आपको पब्लिक वॉइस सुननी पड़ेगी और पब्लिक वॉइस को करने के लिए हम कोई ना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिस भगवती इन दिस केस हैव गिवन अ असेंट, हैज गिवन एन एक्सेप्टेंस कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट आपका अधिकार है और डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए ये आप इसको ले जा सकते हैं। दूसरा केस है, बहुत ही चर्चित रहा था, हालांकि ये कम चर्चित नहीं था, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। सन 2012 में जब रामदेव लगभग एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, करप्शन को भगाने के लिए, तो रामलीला मैदान पे रामदेव जी ने एक पंडाल लगाया और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली भी और कई लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अचानक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया कि रामलीला मैदान खाली होना चाहिए और रातों रात ये मैदान खाली करा लिया गया, एम्प्टी।
ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यस राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड एनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन नॉट टेक अवे सच राइट बाय एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। यानी आपका जो अधिकार है प्रोटेस्ट का, एक मौलिक अधिकार है, कोई भी लेजिस्लेटर यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव, विधायी और कार्यपालिका, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता जो कि आपको ये बताए कि आपको ये कहे कि आपको जो राइट टू प्रोटेस्ट है इसको आप हनन, इसका आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके भी एविडेंस मिले कि इस मैदान में, रामलीला मैदान में कोई हथियार नहीं पाए गए और सभी शांति पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने किस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाकर ये ऑर्डर पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो गई, तो इसके बाद ये इंसिडेंट आया था। तो इतना समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट का पूरा मौलिक अधिकार है, पर उसके साथ साथ जुडिशियल आपको बैकिंग भी मिली हुई है कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि आप अनिश्चितकालीन और हमेशा या किसी भी चीज़ के लिए असीमित प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो इन सभी एपिसोड्स के बाद अब आता है शाहीन बाग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शाहीन बाग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। एज बीइंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, एज बीइंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, आपको समझना होगा कि शाहीन बाग को आपको इतना ही नहीं जानना है कि केवल कुछ महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और उनको बाद में हटा दिया गया। आपको एज अ बीइंग ऑफ स्टूडेंट आपको जानना है कि आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने बताया कि राइट टू प्रोटेस्ट कैसे 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 इवॉल्व हुआ है। एक अंबेडकर जी का कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होता है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर ट्रस्ट करना चाहिए। इट इज ऑलवेज टू मेक अ हेल्दी डेमोक्रेसी टू मेक ट्रस्ट ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमेशा उसके लिए एज अ ऑब्स्ट्रक्शन बन के खड़े नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या सही कहा क्या गलत, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको एज अ ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं काम करना चाहिए। आपको डेमोक्रेसी हेल्दी बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर ध्यान, मतलब विश्वास रखना होगा, मेक अ ट्रस्ट ऑन इट। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं कि एक कानून पास हुआ जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उसके साथ होम मिनिस्ट्री से एक आया NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी जनसंख्या के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कई जगह पॉलिटिसाइज भी किया गया और इसके विरोध में शाहीन बाग चौक पर एक महिलाओं का ग्रुप बैठ गया। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि अगर कोई रास्ता है, ठीक है, सपोज आप यहाँ पर धरना देके बैठ गए, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। अगर आपने कोई रोड ब्लॉक कर दिया है, तो इन दोनों के विरोध में, या और भी आप मुद्दे ले लीजिए विरोध में, शाहीन बाग जैसे पार्क में कुछ महिलाओं ने एक पंडाल डाल के एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। दैट वॉज वेरी पीसफुल एंड विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्युनिशन। बाद में जो भी पॉलिटिकल मैटर हुआ उस पर हम नहीं जाते हैं। तो अगर आपने एक रोड जाम कर दी, तो क्या आपने ये सही किया? इसके खिलाफ अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस आप 2012 ही 20 ही कह सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस केस 2020, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसको कि हम शाहीन बाग जजमेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आया कि शाहीन बाग में कुछ महिलाओं ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज पीसफुल विदाउट आर्म्स एंड एमिनेशन, दैट वाज रोड अ ब्लॉक विद सम पीपल। ठीक है, बाद में कई लोग आ गए यहां पर। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस राइट टू प्रोटेस्ट गिवेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी इनडेफिनेट। ठीक है, अनिश्चित नहीं हो सकता आपका प्रोटेस्ट का अधिकार, उसके लिए कुछ ना कुछ सीमाएं होंगी। एंड दिस राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट गो अगेंस्ट विद राइट टू कम्यूट। कम्यूट माने होता है आवाजाही, आने जाने के लिए सुविधा, यानी राइट टू कम्यूट। एंड दिस राइट टू कम्यूट कम्स अंडर राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 21। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा मुद्दा, छोटा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा हो गया था, तो शाहीन बाग का एक मुद्दा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल के खिलाफ चला जाता है। तो अगर आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है आर्टिकल 19 के साथ, आपके पास राइट टू कम्यूट, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल 21 भी है, तो दीज टू आर्टिकल्स हैव कोलैप्स, मतलब क्लैश हियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, पर राइट टू लाइफ भी आपका मौलिक अधिकार है, एंड राइट टू लाइफ कैन नॉट बी अब्रीज्ड बाय द राइट आर्टिकल 19 और राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा कि देयर, अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही है तो देयर आर सम डेजिग्नेटेड प्लेसेस, डेजिग्नेटेड मतलब कि एक निश्चित जगह पर आपको, निश्चित स्थान कह लीजिए, आपको प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है। एक निश्चित स्थान दे दिया गया है, सपोज रामलीला मैदान ऑफ दिल्ली, इंडिया गेट, जंतर मंतर या और भी ऐसे कई सारे चौक होंगे, आप वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप किसी रास्ते को ब्लॉक करके किसी से राइट टू कम्यूट या राइट टू लाइफ का अधिकार छीन लें। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ और राइट टू प्रोटेस्ट या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच एक पैसेज प्रोवाइड करता है कि आपका दोनों अधिकार बना रहे, किसी का भी हनन ना हो। इन्होंने ये भी कहा कि इफ़ देयर इज एनी ब्लॉकेज लाइक दिस, अगर राइट टू कम्यूट हनन हो रहा है और राइट टू प्रोटेस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक ड्यूटी है कि उस जगह को खाली कराए, उसको हटाए और उसको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे भेजे कि भाई अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो आपके लिए एक उचित स्थान दिया गया है, वहाँ पर आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इसके सपोर्ट में एक और आप केस देख सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना है कि ये सब क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका था एक हिम्मत लाल केस 1972। इसमें कहा गया, देखिए जो आपने डिसीजन दिया उसी के सिमिलर एक डिसीजन ये भी है, इसी को चेक करने के लिए कि राइट टू लाइफ के नाम पे आप सभी रोडों को खाली नहीं करा सकते। अगर आपके पास राइट टू लाइफ है कि भाई आप राइट टू कम्यूट सभी रोडें खाली होनी चाहिए, तो नहीं। इन्होंने कहा कि यू कैन नॉट मेक एनी एब्सोल्यूट डिसीजन टू ब्लॉक ईच रोड फॉर प्रोटेस्ट। यानी अगर आप इसको हिंदी में समझें कि धरना प्रदर्शन के लिए आप सभी रोड, सभी चौक, सभी गलियों के लिए मना नहीं कर सकते कि आप किसी भी गली पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो हिम्मत लाल केस में एक गवर्नमेंट के लिए चेक आया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चेक आया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कह दिया कि आप किसी रास्ते पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक सरकार को चेक करने के लिए है। तो यू कैन सी द ब्यूटीफुलनेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी कि सभी आर्टिकल को बैलेंस करना बहुत खूबसूरती से आता है, और उसके लिए अगर कोई जजमेंट आता है तो उसके लिए पहले से जजमेंट रहता है, या उसके बाद कोई जजमेंट आता है जो उसको बहुत खूबसूरती से बैलेंस करता है। तो ये हमको बताता है कि हमारी पॉलिटी कितनी खूबसूरत है और इंडियन डेमोक्रेसी वाकई बहुत ही अच्छी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि राइट टू प्रोटेस्ट और शाहीन बाग का क्या कोरिलेशन है। तो अब आप कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी टॉपिक पे आपको आंसर लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, अगर जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई और कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। और परीक्षा मंथन हमेशा से उसका गौरवमय इतिहास रहा है, और हम आगे कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह के टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लाते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।